गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कुसुम्स कॉर्नर। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और अमेजोन कुर्ती सेट हॉल वीडियो। और ये सभी जो कुर्ती सेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हैं, ताकि जिसे जो भी कलर पसंद हो वो बाय कर सके। और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, ये सभी आपको अंडर 750 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और ये सिर्फ अफोर्डेबल ही नहीं, काफ़ी कम्फर्टेबल भी हैं। तो इन्हें आप कॉलेज में, ऑफिस में और उसके साथ साथ घर पर या फिर शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हो तो वहाँ पर भी पहन सकते हो। स्पेशली इनका जो ट्राउजर्स है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है, रिलैक्स फिट के हैं। और साथ में जो दुपट्टे हैं वो एकदम परफेक्ट लेंथ एंड विड्थ के सभी कुर्ती सेट्स के। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और हाँ, इस वक्त तो अमेजोन पर सेल भी चल रही है, द ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जिसमें आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और आई थिंक ये लास्ट डे है, तो जिसे जो भी बाय करना है वो बाय कर सकते। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। एंड उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pink.brownie। और अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारे चैनल पर चल रहे इस वक्त गिव अवे, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सभी रूल्स बताए हैं गिव अवे के, तो वो वीडियो जरूर देखना पूरी, ठीक है ना। उसमें भी काफी अच्छे अच्छे कुर्ती सेट्स मैंने दिखाए हैं। तो बात कर लेते हैं आज के लुक के बारे में। सबसे पहले तो ये जो कुर्ती सेट आप देख रहे हो उसकी वीडियो आ चुकी है, मैंने मिंत्रा से बाय किया था आई थिंक। तो एक पार्टी वेयर कुर्ती शरारा सेट है वेलवेट फैब्रिक में। और ये जो सेट मैंने इस वक्त पहन रखा है आई थिंक मैंने अमेजोन से ही बाय किया था, पता नहीं इसका लिंक मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लेना। और बात कर लेते आज के फर्स्ट कुर्ती सेट से, तो ये है बहुत ही प्यारे से कलर कॉम्बिनेशन का एक कुर्ती सेट, जिसमें आपको दुपट्टा रिसीव नहीं होने वाला है। बट इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगा मुझे, स्पेशली इसके लुक की वजह से ये मैंने बाय किया था। इसमें ना जो क्रोशेट की लेस पूरे कुर्ती सेट में दी गई है उसकी वजह से इसका एक अलग ही लुक आ रहा था, जो आपको ट्रेंड में समझ में आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती है, लेकिन इसमें जो नीचे की तरफ से हेमलाइन दी गई है वो यू शेप में है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है। और इसमें ये वी नेकलाइन दी गई है, बाकी पूरी कुर्ती में ये जयपुरी प्रिंट दिया गया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। एंड इसका फैब्रिक ओ माय गॉड इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, जब मैंने इसका ट्रेंड किया तब मुझे पता चला। काफ़ी ब्रीदेबल है, तो इसे आप पूरे दिन आराम से पहन सकते हो। वैसे तो इसे आप 12 महीने पहन पाओगे, लेकिन आगे तो गर्मी ही आने वाली है ना, तो उसके लिए तो एकदम परफेक्ट फैब्रिक रहेगा। तो ये थी कुछ इस तरह की कुर्ती। और इसमें ना ये जो स्लिट दी गई है सिर्फ फ्रंट पार्ट में आपको एक क्रोशेट की लेस मिल जाएगी, और नीचे की तरफ भी, बाकी पीछे की तरफ ये लेस नहीं लगाई गई है। और इसमें दी गई है 3/4 स्लीव्स, और स्लीव्स के एंड में भी ये सेम क्रोशेट की लेस आपको मिल जाएगी, ये देखिए। एंड ये देखिए, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसे आप आराम से पहन पाओगे। और ये गो सिल्क के ब्रांड से है, और इसमें मेरा साइज एक्सेल है, ये मुझे परफेक्टली फिट हुई थी। और ये इसका प्लाजो है, इसमें फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी टाइट या फिर पॉकेट नहीं है जो स्किन पर चुभती रहे। एंड इसके वन साइड में ये पॉकेट मिल जाएगी, और इसके नीचे की तरफ ना ये देखिए सेम क्रोशेट की लेस दी गई है, और ये कुछ इतने वाइड लेग का प्लाजो है। और इसके साथ कोई दुपट्टा रिसीव नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वैसा लुक का कुर्ती सेट है ही नहीं जिसके साथ दुपट्टा लेने की आपको ज़रूरत पड़े। अगर फिर भी है तो इसके साथ आप कोई वाइट कलर का दुपट्टा ले सकते हो। बाकी ये है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल, और फैब्रिक अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन आपने देख लिया। आई थिंक इसमें एक और कलर मिल जाएगा, पता नहीं, आप कर लेना। और आज तो मेरे बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट एंड मैनेजेबल हो गए हैं, आप देख सकते हो कहीं से अटक नहीं रहे। तो कल रात में मैंने हेयर वॉश किया था, और सुबह जब मैं हेयर स्ट्रेट करने लगी ना, तो मेरे बाल इतने क्विकली एंड इजली स्ट्रेट हो गए कि मत पूछिए। और अभी जिस तरह का वेदर चल रहा है उसमें जो हमारे हेयर और भी ज़्यादा डल, ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं, तो अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ, जो है बी ब्लंड की इंटेंस मॉइस्चराइजर, ये शैम्पू एंड कंडीशनर। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। आई थिंक ये जो शैम्पू आपको ओनली 399 रुपीज़ में मिल जाएगा, उसी तरह से ये कंडीशनर। तो मुझे जब भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो मैं ये ही रेंज यूज करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शैम्पू की, जो कुछ इस तरह की बॉटल में आता है। तो ये है बी ब्लंड सलोन लाइक हेयर इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू, डीपली नरिशेस एंड एड शाइन। सो होहोबा ऑयल एंड वाइटन ई जैसे पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट्स आपको इस पूरी रेंज में मिल जाएंगे, चाहे हम बात करें शैम्पू या फिर कंडीशनर की। सो होहोबा ऑयल हमारे बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, हेयर ग्रोथ एंड थिकनेस को प्रमोट करता है, बालों में जो डैंड्रफ हो जाता है उसको कंट्रोल करता है, और अलग अलग तरह के हेयर टूल्स यूज करने से जो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करता है, एंड स्कैल्प के नेचुरल बैलेंस को मेंटेन रखता है। और अगर हम बात करें वाइटामिन ई की, तो वाइटामिन ई हमारे बालों की इलास्टिसिटी
को प्रमोट करता है, बालों में शाइन ऐड करता है और अच्छे से नरिश करता है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इस पूरी रेंज को कैसे यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस शैम्पू को यूज करती हूँ, अच्छे से अपने बालों को मसाज कर करके वॉश करती हूँ, उसके बाद रिंस ऑफ कर देती हूँ। एंड बालों को अच्छे से रिंस ऑफ करने के बाद मैं यूज करती हूँ ये कंडीशनर। ये काफी थिक क्रीम की तरह है जो आपके बालों को काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है। इसे मैं लगाती हूँ मिड लेंथ से लेके एंड तक और इसे मैं सिर्फ 3 मिनट्स के लिए रखती हूँ और इसके बाद अच्छे से अपने बालों को रिंस ऑफ कर देती हूँ। सो बालों को अच्छे से एयर ड्राई करने के बाद जो रिजल्ट है वो आप खुद ही देख सकते हो कि कितनी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए और अच्छी से ना शाइन ऐड हो गई है और बिल्कुल भी अटक नहीं रहे हमारे बाल, ना तो कॉम में और ना ही हाथों में। और इसकी खुशबू भी ना इतनी ज्यादा अच्छी है, जैसे आप इसे यूज करोगे तो ये जो खुशबू आपके पूरे दिन बालों में रहने वाली है और जो भी आपके आसपास से जाएगा वो आपसे जरूर पूछेगा कि कौन से सलून से आप हेयर वॉश लेके आए हो। तो घर बैठे ही आपको सलून जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार ये जो रेंज है ना ज़रूर ट्राई करके देखें और अपना जो भी एक्सपीरियंस है हम सबके साथ शेयर करें। और आपको पता है इनके सभी प्रोडक्ट्स ना SLS एंड पैराबेन फ्री होते हैं, किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ इनमें नहीं किया जाता है। और अगर आप 18 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में मेल हो या फिर फीमेल आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये इंडियन ब्रांड है एंड बी ब्लड इज़ द प्रीमियम हेयर केयर ब्रांड विच इज़ सिनोनिमस विद कटिंग एज हेयर केयर एंड हेयर स्टाइलिंग। एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ वूमन दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लड शाइन अकेडमी एंड दे आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमन अक्रॉस द नेशन। सो आई थिंक इस इनिशिएटिव में हमें भी उनका साथ जरूर देना चाहिए। और अगर आप इनके प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी वेबसाइट के अलावा Amazon, Flipkart और Nykaa की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स आपको और भी कम प्राइस पर मिले इसके लिए मैं आपके लिए एक कूपन कोड लेके आई हूँ KUSUM2024, जिससे आपको इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ जो मुझे बहुत पसंद आई। मेहंदी कलर का कुर्ती सेट है, कंप्लीट कुर्ती सेट। इसमें आपको दुपट्टा, ट्राउजर एंड ये कुर्ती मिलने वाली है, स्ट्रेट फिट कुर्ती है ये। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कुर्ती। और ये सिल्क ब्लेंड फैब्रिक में है तो इसमें आपको कुछ इस तरह की नेकलाइन मिल जाएगी। किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए तो एकदम बढ़िया सेट है, लेकिन स्पेशली मेहंदी सेरेमनी के लिए तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा। सो अगर आपको कुछ बजट में चाहिए तो ये आप बाय कर सकते हो। और इसमें कुछ इस तरह की नेकलाइन दी गई है और उसके नीचे योक पार्ट में ये ब्यूटीफुल जरी के धागे का एंड सीक्वेंस वर्क किया गया है, ये देखिए यहाँ तक। बाकी नीचे से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है एंड बैक साइड से भी बिल्कुल प्लेन है। और ये है इसकी 3/4 स्लीव्स और स्लीव्स के एंड में ना ये देखिए कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल डिटेलिंग इसमें दी गई है। तो ये टिश्यू फैब्रिक है जिसके ऊपर ये कटवर्क में ये जरी का वर्क किया गया है, ये देखिए। तो ये थी कुर्ती एंड इसके साथ आपको मिलेगा ट्राउज़र, ये देखिए सॉलिड मेहंदी ग्रीन कलर का ये ट्राउज़र है। इसमें पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड दी गई है और वन साइड में इसमें पॉकेट भी मिल जाएगी, काफ़ी डीप पॉकेट है तो इसमें अपना मोबाइल आप आराम से रख सकते हो। और नीचे से कुछ इतने वाइड लेग का है एंड ये देखिए इसमें गोल्डन कलर की गोटा पट्टी की डिटेलिंग भी दी गई है। तो ये था ट्राउज़र और जिनके भी थाइज हैवी हैं उनको ये एकदम परफेक्टली आ जाएगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं रहने वाला है। और इसका भी सेम ही फैब्रिक है। और अब मैं आपको इसका ब्यूटीफुल दुपट्टा दिखाने वाली हूँ। इसका दुपट्टा इस कुर्ती सेट की जान है। तो ये देखिए इसमें ये टिश्यू फैब्रिक का ही दुपट्टा मिल जाएगा एंड इसके चारों कॉर्नर्स में आपको एक कटवर्क में सेम ही डिटेलिंग मिल जाएगी जो स्लीव्स के एंड में दी गई थी, ये देखिए। और ये वर्क यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये सिर्फ आपको ऊपर और नीचे की तरफ लेंथ में मिलेगा। तो ये था कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल दुपट्टा एंड ये परफेक्ट लेंथ एंड विड्थ का दुपट्टा है तो ये बिल्कुल भी छोटा नहीं रहने वाला है। एंड आई थिंक ये जो कलर है ना सभी के पास नहीं होता उनकी वार्डरोब में, तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि कलर पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था एंड प्लस ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और इसमें मेरा साइज XL है, मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है। और आई थिंक ये जो है ब्रांड स्काईली बाय स्मा से है। एंड नेक्स्ट है एक और अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन का कंप्लीट कुर्ती सेट। इसमें भी आपको दुपट्टा, ट्राउजर, कुर्ती सब कुछ मिलने वाला है। और आप देख सकते हो कि सारे ही कलर्स एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, तो जो भी कलर आपको पसंद है वो आप बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती और ये कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में है, फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए कुछ इस तरह का जो राउंड नेक है आपको इसमें मिल जाएगा, राउंड एक्चुअली सेंटर में ना वी शेप में कट है और उसके नीचे ब्यूटीफुल कलरफुल वर्क आपको मिल जाएगा। ये जरी के धागे का एंड सीक्वेंस वर्क है। हाँ, इसका जो वर्क था ना वो नीचे तक दिया गया है और बहुत ही प्यारा वर्क है। ये देखिए साइड्स में ना आपको कुछ इस तरह से भी वर्क नीचे तक मिल जाएगा। बाकी पीछे से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप इसे आराम से पहन सकते हो। और ये है इसकी 3/4 स्लीव्स, स्लीव्स में कोई वर्क नहीं है। और इसमें भी मेरा साइज XL था और ये मुझे परफेक्टली फिट हो रही थी। और ये है इसका सॉलिड पर्पल कलर का ट्राउजर, ये देखिए।
ये पेंसिल स्टाइल का ट्राउजर नहीं है, काफी रिलैक्स फिट का है, तो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं रहने वाले हैं। और इसमें आपको मिल जाएगी पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड और इसके भी वन साइड में पॉकेट है, जो मैं ट्रेंड में सभी कुर्ती सेट में दिखाना भूल गई हूँ। ये देखिए, ये जो कलर है ना, जब से आलिया भट्ट ने वो लहंगा पहने बांधनी प्रिंट में, उससे पहले शायद मुझे पता ही नहीं था इस कलर के बारे में। ऐसा लग रहा है पता था लेकिन वो ये ध्यान नहीं दिया कभी, बट तब से मुझे ये कलर से इतना प्यार हो गया ना, जब भी मुझे किसी भी कुर्ती सेट में साड़ी में दिखता है ये, तो मैं इसे डेफिनेटली बाय करती हूँ। और ये पहना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है इसका फुल लेंथ एंड विड्थ का शिफॉन फैब्रिक का दुपट्टा, इसमें कहीं भी कोई वर्क नहीं है, लेकिन हाँ फिनिशिंग वगैरह अच्छे से की गई है। तो ये था कंप्लीट कुर्ती सेट। मुझे तो ये कुर्ती सेट काफी पसंद आया, इसका फैब्रिक वर्क एंड स्पेशली कलर इतना सुंदर है। और ये जो दुपट्टा है ना, ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है और फुल लेंथ एंड विड्थ का है, तो ये बिल्कुल भी छोटा नहीं रहने वाला है। तो इस कुर्ती सेट में कहीं कोई कमी नहीं है और ये काफी अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और नेक्स्ट है प्योर कॉटन फैब्रिक का कंप्लीट कुर्ती सेट, इसमें भी आपको तीनों चीजें मिलने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल था और दिखने में भी इतना सुंदर लग रहा था, अगर मैं इस वक्त कॉलेज जा रही होती तो मैं इसी तरह की कुर्ती सेट पहनना पसंद करती। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ उसकी स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती, ये देखिए। और इसमें मेरा साइज एक्सेल ही है, मुझे एकदम परफेक्टली फिट हो रहा था। तो इसमें आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह की राउंड नेकलाइन, राउंड है ना, हाँ नहीं, सेंटर में ही कट दिया गया है, इसमें कोई बटन वगैरह नहीं है, तो इसे आप आराम से पहन पाओगे क्योंकि नेक थोड़ा सा छोटा है। और उसके नीचे ना ये देखिए कुछ इस तरह के डिफरेंट प्रिंट का ये फैब्रिक अटैच किया है, जिसमें सिल्वर कलर की गोटा पट्टी का वर्क भी किया गया है, तो हल्की फुल्की डिटेलिंग भी इसमें दी गई है। बाकी नीचे की तरफ से ना ये देखिए कुछ इस तरह का प्रिंट इसमें दिया गया है, फ्रंट में भी एंड बैक साइड में भी। और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स और एंड से ये सेम डिटेलिंग दी गई है, ये देखिए सिल्वर कलर की गोटा पट्टी की भी लेस इसमें लगाई गई है। तो ये थी कुछ इस तरह की कुर्ती। और अगर मैं फिटिंग की बात करूँ तो जो भी आपका एक्यूरेट साइज है वही इसमें बाय कीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी टाइट या फिर लूज नहीं थी। और ये है इसका ट्राउजर, और ये पैंट स्टाइल का ट्राउजर है लेकिन ये काफी कंफर्टेबल था, बिल्कुल भी टाइट नहीं था। और इस ऑल ओवर ट्राउजर में ना ये देखिए कुछ इस तरह का प्रिंट दिया गया है, कॉन्ट्रास्ट कलर में है, तो ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसमें ये पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है और वन साइड में आपको पॉकेट भी मिल जाएगी, तो ये भी प्योर कॉटन फैब्रिक में था। और ये है इसका ट्रेडिशनल प्रिंट का दुपट्टा, ये भी कॉटन फैब्रिक में फुल लेंथ एंड विड्थ का ये दुपट्टा है। और इसमें ये एलिफेंट्स बनाए गए हैं ब्लू एंड ब्रिक रेड कलर में, ये देखिए साइड से कुछ इस तरह का है, इसमें अंबी वाला प्रिंट साइड्स में दिया गया है और फिनिशिंग वगैरह अच्छे से की गई है। तो इसका दुपट्टा, कुर्ती, ट्राउजर सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा है, कहीं कोई कमी है ही नहीं और काफी अफोर्डेबल है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एक और कंप्लीट कुर्ती सेट है, आई थिंक सिर्फ एक कुर्ती सेट था जिसमें दुपट्टा नहीं था, बाकी सभी में दुपट्टा आपको मिलने वाला है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है और प्रिंट है वो मुझे काफी अच्छा लगा था, ये देखिए। तो ये है स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती, इस पूरी कुर्ती में प्रिंट है, कोई वर्क नहीं है, जो डिटेलिंग है ना वो फैब्रिक से ही की गई है, ये देखिए कुछ इस तरह से। बाकी पूरी कुर्ती में कुछ इस तरह का फ्लावर प्रिंट मिलेगा, फ्रंट बैक स्लीव्स हर जगह पे। और ये इसके थ्री क्वार्टर स्लीव्स, स्लीव्स के एंड में भी सेम डिटेलिंग दी गई है, बाकी आप पीछे से भी देख लीजिए। और हाँ, ये जो फैब्रिक की लेस है ना, ये स्लिट्स में भी लगाई गई है फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ, लेकिन नीचे की तरफ ये नहीं है। बाकी इसका कलर कॉम्बिनेशन, ये प्रिंट तो आप देख ही सकते हो। और ये है इसका प्रिंटेड ट्राउजर, इसमें आपको पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड मिल जाएगी। और इस पूरे ट्राउजर में ना ये देखिए छोटा छोटा फ्लावर्स का प्रिंट दिया गया है एंड नीचे की तरफ से वो सेम डिटेलिंग इसमें भी दी गई है। और ये भी पैंट स्टाइल का ट्राउजर है लेकिन ये भी कंफर्टेबल था। और इसके साथ मिलने वाला ये सुपर सॉफ्ट दुपट्टा, ये जॉर्जेट फैब्रिक का दुपट्टा है, लेकिन इसका दुपट्टा ना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, जब आप इसे बाय करोगे और आपको ये रिसीव होगा तब आपको पता चलेगा कि इसका दुपट्टा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना। ये देखिए इस पूरे दुपट्टे में ना कुछ इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन का प्रिंट मिल जाएगा और साइड्स में ये देखिए कुछ इस तरह से है ये, और फिनिशिंग वगैरह सभी में की गई है। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, एक तो अफोर्डेबल हो और किसी चीज़ की कमी भी ना हो, और क्या चाहिए। और इसमें मेरे साइज है एक्सेल और ये मुझे परफेक्टली फिट हो रहा था। और अब बढ़ते हैं लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट कुर्ती सेट की तरफ। और ये कुर्ती सेट तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती, जब ये मुझे रिसीव हुआ था ना, मैंने इसे मतलब पार्सल ओपन करके देखा तो मुझे लगा कि ये कुर्ती सेट तो मैंने मंगवाया नहीं था, ये तो महंगा लग रहा है, क्योंकि इस पर जो वर्क किया गया था, जिस कलर के ऊपर ये वर्क किया गया था वो इतना सुंदर लग रहा था। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, और इसमें ना तीन कलर्स दे गए हैं, जो कलर मैंने पिक किया था वो था ये, लेकिन मुझे रिसीव हुआ ये,
पैरेट कलर, और ये इतना ब्राइट नहीं है, चटैक नहीं है कि आप इसे पहनना पाओ, ये काफ़ी सटल कलर है, और इस पर ये ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन का ये वर्क जो किया गया है ना, इसके लुक पर चार चांद लगा रहा है। ऊपर से इसका दुपट्टा इतना सुंदर है और ये कलर तो आप देख ही रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्ट्रेट फिट काफ लेंथ की कुर्ती। तो इसमें ये राउंड नेक लाइन दी गई है और उसके नीचे कलरफुल थ्रेड वर्क किया गया है और साथ में सीक्वेंस का भी वर्क इसमें किया गया है, ये देखिए। और सेंटर में लगाए गए हैं ब्यूटीफुल बटन्स, और ये जो बटन्स हैं ये ओपनेबल नहीं है, इसकी नेक भी छोटी नहीं है, आप इसे आराम से पहन पाओगे। बाकी नीचे से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है और बैक से भी, और ये क्योंकि लाइट कलर है तो इसके नीचे आप न्यूड इनर वेयर ही पहनेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन फिर भी, बट क्योंकि लाइट कलर है तो कोई चांस नहीं लेना चाहिए। बाकी इसमें जहाँ तक ये वर्क है ना, वहीं तक आपको अंदर की तरफ लाइनिंग मिलेगी, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ, नीचे की तरफ लाइनिंग नहीं दी गई है। और ये है इसकी थ्री क्वार्टर स्लीव्स, स्लीव्स बिल्कुल प्लेन है, कोई वर्क इनमें नहीं किया गया है। और इसके साथ सॉलिड लाइट ग्रीन कलर का ही ट्राउजर मिलेगा, इसमें फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है और वन साइड में इसमें भी पॉकेट मिल जाएगी, काफ़ी डीप पॉकेट है। और नीचे से ये देखिए कुछ इतने वाइड लेग का ये ट्राउजर है, अच्छे से फिटिंग इसकी आई थी, बिल्कुल भी टाइट नहीं था। और इसके साथ आपको मिलेगा ये देखिए इतना सुंदर सा ये दुपट्टा, फुल लेंथ एंड विड्थ का ये दुपट्टा है, हाँ मैं उल्टा दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ से ये सीधा है और इसमें कुछ इस तरह का प्रिंट आपको मिलेगा। एंड कॉर्नर्स पे ये गोल्डन कलर की टेम्पल लेस लगाई गई है, साइड्स में भी है, ये देखिए। तो ये था फुल लेंथ एंड विड्थ का दुपट्टा, ये देखिए कितना सुंदर लगने वाला है पहना हुआ कुर्ती सेट। तो ये था आज का लास्ट कुर्ती सेट, आपको कैसा लगा, कौन सा कुर्ती सेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें भी मेरा साइज़ एक्सेल ही था, ये मुझे परफेक्टली फिट हो रहा था, तो जो भी आपका एक्यूरेट साइज़ है वही आप इसमें बाय कीजिएगा। और मैं इन सबको रिसेल भी करने वाली हूँ, तो आपको अमेजोन प्राइस और रिसेलिंग प्राइस दोनों ही स्क्रीन पर मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लेना। और अगर आप ये मुझसे बाय करना चाहते हो तो ये है व्हाट्सएप नंबर और ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो। और हाँ, इस चैनल पर चल रहा है गिव अवे भी, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। और फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।